हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आपके साथ डीआईवाई गोल्ड फेशियल की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। वैसे तो आप इसे पार्लर में भी जाकर करवा सकते हो, पर आप सब जानते हो कि गोल्ड फेशियल पार्लर में करवाना कितना एक्सपेंसिव होता है, सब कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको बहुत ही नेचुरल तरीके से, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट का यूज करके, बहुत ही सस्ते में एक डीआईवाई गोल्ड फेशियल का पूरा स्टेप बताऊंगी, कैसे आपको ये पूरा फेशियल करना है। और इसके रिजल्ट के बारे में मैं बात नहीं करूंगी, इसका रिजल्ट आप आगे खुद ही वीडियो में देख लेना। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया, अभी करवा चौथ भी आने वाला है, दिवाली भी आने वाली है, तो आप इन दोनों फेस्टिवल से पहले ये फेशियल कर सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो होपफुली आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये फेशियल मैंने कैसे किया है। तो इस फेशियल का सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग, और क्लींजिंग के लिए रॉ मिल्क से बेटर मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। तो आपको सिंपली थोड़ा सा रॉ मिल्क लेना है, इसमें एक कॉटन पैड को अच्छे से डिप करना, उसके बाद इससे अपने फेस एंड नेक को अच्छे से वाइप कर लेना है। रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन से जितनी भी डस्ट होती है, गंदगी होती है, उसे अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा। अच्छे से वाइप करने के बाद मैं 1 मिनट इसे ऐसे ही रहने दूंगी, थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी, उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लूंगी। देन हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जहां हम बनाएंगे एक स्क्रब। इसके लिए मैंने थोड़ी सी ये बारीक चीनी ली हुई है। अगर आपके पास ये बारीक चीनी नहीं है, शुगर नहीं है, तो आप जो नॉर्मल शुगर आती है उसे थोड़ा सा क्रश कर लो, क्योंकि आप जो बड़े बड़े दाने लोगे ना तो वो आपकी स्किन को हार्म करेंगे, तो उसे थोड़ा सा क्रश कर लो। उसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी अराउंड 1 स्पून हनी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपका ये DIY स्क्रब बनकर रेडी हो गया। तो जैसे आप कोई भी नॉर्मली स्क्रब अप्लाई करते हो, वैसे इस स्क्रब को अप्लाई करना है। जेंटल हाथों से 1 मिनट तक अपने फेस पे मसाज देनी है, फोरहेड पे, नोज एरिया के अराउंड थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि यहीं पे आपको ओपन पोर्स की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 1 मिनट तक मसाज देने के बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लो, आपको क्लियरली डिफरेंस दिखेगा। शुगर है जो आपकी स्किन से डेड स्किन सेल को अच्छे से रिमूव करेगा, और साथ ही हनी है तो वे आपकी स्किन को अच्छे से नरिश रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, ड्राई नहीं होने देगा। नेक्स्ट स्टेप में हम स्टीम लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसका यूज कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने किया अच्छे से वाटर को बॉयल कर लो, उसके बाद अपने फेस को टॉवल से इस तरह कवर करके 3 से 4 मिनट तक आपको अच्छे से स्टीम लेनी है, ताकि आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएं। इससे फायदा क्या होगा कि आपके स्किन के पोर्स ओपन हो जाएंगे ना, तो इसके बाद आप जो भी स्टेप करोगे, मसाजिंग क्रीम अप्लाई करोगे या कोई पैक अप्लाई करोगे, तो वो आपके स्किन में अच्छे से पेंट्रेट होगी और अपना अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। तो करीबन 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से टाइम दिया, अपने पूरे फेस को राउंड राउंड घुमा के अच्छे से स्टीम ले लिए, ताकि मेरे पोर्स ओपन हो जाए। ये स्टेप आप स्क्रबिंग से पहले भी कर सकते हो, नहीं तो स्क्रबिंग के बाद भी कर सकते हो, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम बनाएंगे एक फेस पैक। इसके लिए मैंने 1 स्पून कर्ल लिया है, इसमें मैं अराउंड 1 स्पून हनी मिलाऊंगी। ये फेस पैक एंड मसाजिंग क्रीम दोनों की तरफ वर्क करेगा। इसमें मैं 1/4 टीस्पून कस्तूरी हल्दी मिलाऊंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो किचन में हल्दी यूज होती है उसे भी मिला सकते हो। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन 1 स्पून मैं इसमें बेसन मिलाऊंगी और इन चारों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये आपका पैक बनके रेडी हो गया। अब जो बेसन है वो आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करेगा, साथ ही आपकी स्किन पे एक फेयरनेस का इफेक्ट देगा। कस्तूरी हल्दी आपकी स्किन पे जो भी डार्क स्पॉट होंगे उसे रिमूव करेगा, एक्ने पिंपल्स के मार्क्स होंगे उसे भी रिमूव करेगा। नेक्स्ट इसमें मैंने हनी मिलाई है, तो स्पेशली विंटर के सीजन में जब आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को नरिश रखेगा, उसे सॉफ्ट बनाएगा, साथ ही एक एक्स्ट्रा ग्लो आपकी स्किन में ऐड करेगा। एंड लास्ट चीज जो कर्ल है वो एज अ मसाजिंग क्रीम बहुत ही अच्छा वर्क करती है, तो इसे मैं फेस पे अप्लाई कर लूंगी। थोड़ा सा मैंने बचा के रखा हुआ पैक, और अपने स्किन पे 3 से 4 मिनट तक ऐसे कुछ सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज दूंगी। मसाजिंग करने से आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जिससे वहां पे ना एक्स्ट्रा ग्लो आ जाएगा, तो बिना मसाज के तो फेशियल हो ही नहीं सकता। तो जब भी फेशियल करो तो मसाजिंग पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया करो। तो मैं अच्छे से मसाज कर लूंगी, उसके बाद जो मैं मसाज करने के बाद जो बाकी फेस पैक बचा है उसकी एक लेयर अपने पूरे स्किन पे अप्लाई कर लूंगी कुछ इस तरह से। आप फेशियल भी नहीं कर रहे हो ना, ऐसे भी अगर आप अपनी स्किन पे मसाज करोगे ना, तो आपकी स्किन में एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो इसे मैं अप्लाई करूंगी, मैं हैंड से ही अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं 10 से 15 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी, जब तक ये अच्छे से ड्राई आउट ना हो जाए। जब ये अच्छे से ड्राई आउट हो जाएगा, उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लूंगी।
इस पैक को सिर्फ आप अल्टरनेट डे अप्लाई करोगे ना तो आपकी स्किन पे एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा, साथ ही आपकी स्किन पे जो भी मार्क्स होंगे ना वो भी धीरे धीरे रिमूव होने लगेंगे। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया, आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो पहले मेरी स्किन कैसी थी और अब कैसी लग रही है। मुझे खुद पर्सनली अपनी स्किन बहुत ही सॉफ्ट फील हो रही है, साथ ही मेरे नोज के अराउंड जो थोड़े थोड़े ब्लैक हेड्स थे, व्हाइट हेड्स थे, वो सब मुझे रिमूव लग रहे हैं। और साथ ही मेरी स्किन ऑयली है तो इस वक्त मेरे स्किन पे कोई भी ऑयल मुझे फील नहीं हो रहा है, एकदम मेरी स्किन मतलब ऑयल फ्री लग रही है। तो मुझे ये फेशियल तो बहुत ही पसंद। अब क्योंकि ये विंटर का सीजन है तो मेरी स्किन ड्राई ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा वाव का एलोवेरा जेल ले रही हूं, अपने फेस पे थोड़ी सी मसाज दूंगी और डैब डैब करके अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी ताकि मेरे स्किन पे अच्छे से ये अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये है इस फेशियल का फाइनल रिजल्ट, आप खुद देख सकते हो इसका रिजल्ट कैसा है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद आया, आप मुझे बताना कि आपको ये फेशियल कैसा लगा। एक बार आप भी ट्राई करना, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद आया। सो गाइज, यही थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो आपको पता है ना, इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, और मेरे चैनल पे नया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।